2020 पेपर टू वेरिएंट टू। ड्यूरिंग द रेस द एक्सेलरेशन ऑफ द एथलीट इज यूनिफॉर्म इन द फर्स्ट टू सेकंड्स। स्टेट हाउ द ग्राफ शोज दैट। अस्सलाम सर। वालेकुम सलाम। ग्रेडियंट इज कांस्टेंट। और सर ये भी तो लिख सकते हैं ना कि वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग एट अ कांस्टेंट रेट। यस लिख सकते हैं। डिटरमाइन द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द एथलीट इन फर्स्ट टू सेकंड्स। डिस्टेंस के लिए एरिया अंडर द ग्राफ। तो टू पर आपके पास 4.5 टू इंटू 9 आ रही है ना आपके पास। सो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस इज 2 and height is 9, so 9 meters answer aa jayega kyunki yahan par 9 meter hai speed। During the rest of the race from 2 to 5.5 second the acceleration of the athlete decreases। At 5.5 second the athlete reaches a maximum speed of 12 meters per second। 5.5 per 12 pe dot laga dein। 5.5 और 12 पे डॉट लगाना है, ठीक है। उसके बाद फ्रॉम 5.5 टू 8 द एथलीट ट्रेवल्स एट अ स्पीड ऑफ 12 मीटर्स पर सेकेंड। 8 तक इसकी स्पीड कांस्टेंट है। देन फ्रॉम 8 टू 11 द एथलीट decelerates finishes the race at a speed of 10 meters per second। finishing the speed at 10 meters per second। सर आप स्क्रीन शेयर कर रहे हैं क्या? जी बेटा। सर मेरे पास आ ही नहीं रही। सबके पास आ रही है। रिजॉइन करो। सर स्केल से नहीं बनाएंगे क्या? वो कह रहा है डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन इससे कर्व बनेगा। तो ऐसे कर्व बनेगा ना, मतलब जो ऊपर मतलब नीचे की तरफ पॉइंट कर रहा हो। हां डिक्रीजिंग ग्रेडिएंट मतलब मतलब डिक्रीजिंग ग्रेडिएंट मतलब सेक्शन ग्राफ दिखाएंगे। हम लोगों ने फ्री हैंड स्केच करना है ना, ऐसे तो नहीं कि बिल्कुल कांस्टेंट। एक्सेलरेशन डिक्रीजेस का मतलब है ग्रेडिएंट डिक्रीजेस। तो ग्रेडिएंट डिक्रीज करने का मतलब है कर्व बनेगा डिक्रीजिंग ग्रेडिएंट वाला। ठीक है सर। सर ये ए वाला सर ये कैसे चला था जी? गजान तुम लेट क्यों है ये बताओ जल्दी से। सर वो पेपर प्रिंट करवाने सर गया वाला। नहीं हुआ प्रिंट? हो गया सर। अच्छा क्वेश्चन पढ़ो जल्दी से। कौन सा पार्ट पूछना है? सर ए वाला सर ये। एक काम करना ना, मैं अभी रिकॉर्डेड वीडियो अपलोड करूंगा ना शुरू का, वहां से देख लेना। हमें उस पे डिस्कशन में हो चुका है कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर अब आप आ जाएं 2 पेज तक क्योंकि टाइम फिर ज्यादा लग जाएगा, पेपर नहीं हो पाएगा कंप्लीट। फिगर 2.1 शोज द थिंकिंग डिस्टेंस एंड द ब्रेकिंग डिस्टेंस फॉर अ कार ड्रिवन एट 100 किलोमीटर पर आवर। द कार हैज ओल्ड स्मूथ टायर्स। Thinking distance 21 meter, braking distance 75 meter. Calculate total stopping distance for the car. 75. तो ये कितना हो गया? 96 हो जाएगा. Add कर. Yes. The car is now fitted with new tires. At a speed greater than 100 kilometers per hour, the total stopping distance is the same as in part A. State and explain the effect that increase in speed that the use of new tires have on the thinking distance. Thinking distance का कोई ताल्लुक है टायर के चेंज होने से? नहीं सर, इंक्रीज इन स्पीड हो गई है लेकिन एक्सेलरेशन बढ़ी। स्पीड इंक्रीज करने से थिंकिंग डिस्टेंस जल्दी कवर होगा। इंक्रीजेस फैक्ट दैट इंक्रीज इन स्पीड। और एक्सप्लेनेशन क्या है? सर ये सवाल मुझे फिर से समझाएंगे आप?
सवाल पढ़ें और उर्दू ट्रांसलेशन बताएं सवाल में. श्योर. सेहन एक्सप्लेन द इफेक्ट दैट द इंक्रीज इन स्पीड एंड द यूज ऑफ न्यू टायर्स हैव ऑन दिस थिंकिंग डिस्टेंस. तो स्पीड बढ़ गई कम हो गई? इंक्रीज इन स्पीड, स्पीड बढ़ी है. तो सेम टाइम में वो ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करेगी या नहीं करेगी? करेगी. यही लिखा है. पर थिंकिंग डिस्टेंस पे क्यों फर्क पड़ेगा? आई एम कंफ्यूज्ड एट दैट पॉइंट. थिंकिंग डिस्टेंस थिंकिंग रिएक्शन टाइम पे डिपेंडेंट होता है. अच्छा. रिएक्शन टाइम चेंज नहीं हुआ, स्पीड चेंज हो गई. तो ज्यादा डिस्टेंस कवर करना चाहिए या नहीं? समझ आया नहीं आया? तो अफेक्ट ये आएगा कि उसकी स्पीड बढ़ा देंगे तो थिंकिंग डिस्टेंस जो है वो भी बढ़ जाएगा. वो इस तरह की जब स्पीड बढ़ा देंगे तो रिएक्शन टाइम ज्यादा हो जाएगा. रिएक्शन टाइम सेम रहेगा. सॉरी, लेकिन मतलब लेकिन वो ज्यादा बढ़ जाएगी ना सर, वो ज्यादा जल्दी वो मोर इफेक्टिवली वो प्रोसेस करेगा. सेम टाइम में ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगा. ठीक है जी. थिंकिंग जो टाइम है वो सेम है लेकिन थिंकिंग डिस्टेंस बढ़ जाएगा क्योंकि स्पीड बढ़ गई. ब्रेकिंग डिस्टेंस ज्यादा है कम? सर कम हो जाएगा ना. सर कम हो जाएगा. क्यों? क्योंकि सर नए टायर्स की फ्रिक्शन ज्यादा है. नए टायर की फ्रिक्शनल फोर्स ज्यादा होगी. सर में बेसिकली ग्रिप ज्यादा होगी ना, तो इसकी वजह से फ्रिक्शन ज्यादा होगा. मोर फ्रिक्शन बिकॉज़ ऑफ बैटरी. सर इट इज ऑलवेज नॉट द केस कि बाय इंक्रीजिंग स्पीड थिंकिंग डिस्टेंस विल इंक्रीज. और इट्स ऑलवेज द केस, हमेशा ऐसे ही होगा. देखो थिंकिंग डिस्टेंस स्पीड पर इसलिए डिपेंडेंट है, रिएक्शन टाइम डिपेंडेंट नहीं है स्पीड पर, लेकिन डिस्टेंस डिपेंडेंट है स्पीड पर. क्योंकि डिस्टेंस का फॉर्मूला स्पीड इनटू टाइम होता है. टाइम कांस्टेंट है लेकिन स्पीड बढ़ जाएगी तो डिस्टेंस बढ़ जाएगा ना इक्वेशन के हिसाब से. ठीक है जी. पीछे वो दिखा है मैंने, मैं छाप या पिक्चर लूं. जल्दी जल्दी करें बेटा, जल्दी जल्दी. पर पिछली स्लाइड और लाइक करते जाना है साथ साथ. हाँ सही है. लाइक क्या क्या याद आया वो स्टेटस में? वो अल्लाह सर वो वीडियो कितनी कितनी हॉरिबल थी जो आपने लगाई हुई थी. बहुत मेहनत करता हूँ आप लोगों के लिए. चलेगा. गजैन तुमने देखी थी? वही लगता है. बैक विद एनर्जी. गजैन ने देखी थी वीडियो? नहीं सर मैंने नहीं देखी. सर एक तो गजैन से तुम्हारे लिए इतनी मेहनत करते हैं, ऐसे नहीं चलेगा गजैन. एक ग्रुप में भेजता हूँ. सर किस वीडियो की बात कर रहे हैं? उन्होंने बोला आप स्टोरी पे लगाई थी ना वाली. हाँ स्टोरी पे लगाई. डिलीट करना है सर. मैं पढूं? यस पढ़ें. फिगर 3.1 शोज. यही पढ़ना है ना? यस. नेक्स्ट 3.1 शोज अ पार्ट ऑफ हाइड्रोलिक प्रेस दैट इज यूज्ड टू कंप्रेस वेस्ट पेपर इनटू अ ब्रिक फॉर बर्निंग. अ फोर्स ऑफ 20 न्यूटन इज एक्सर्टेड डाउनवर्ड ऑन द एंड ऑफ द हैंडल. द फोर्स ऑन द हैंडल क्रिएट्स अ मोमेंट अबाउट द पिवट. डिफाइन द मोमेंट ऑफ अ फोर्स. जी मोमेंट की डेफिनेशन बताएंगे आप लोग? द प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स एट द परपेंडिकुलर डिस्टेंस डी फ्रॉम द पिवट टू द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स. वेल श्योर. फोर्स एंड देखें बेटा ऐसे अच्छा स्ट्रांग होना चाहिए ताकि हमें डेट देर ना लगे. परपेंडिकुलर डिस्टेंस सर समझा है, रट्टा नहीं समझा है मैंने. यार मैं कोई नेगेटिविटी थोड़ी बता रहा हूँ किसी चीज की. रट्टा मींस के समझने के बाद ही रट्टा होता है, कभी पहले से होता है? हाँ मैंने तो किए इतने.
यार मैंने भी किया मैं कुछ कुछ सर ये हमें सारी डेफिनेशंस हम पहले रटे मार के चले ना एग्जाम में जी बेटा इसका तो जरूरी है ना फार्मूला और यूनिट और ये डेफिनेशन ये तो मस्ट है ये तो रटनी है पेपर 2 में एक भी फार्मूला नहीं देते खुद से पेपर 2 में नहीं कोई फार्मूला नहीं होता सर मार्किंग स्कीम देखी सर एक छोटी छोटी बात का भी सर एक एक मार्क है डेफिनेशन में साहिल ने भेज दिया आपने मुझे वीडियो मैंने सर आपको एक बात बताऊं मेरे साथ पेपर में क्या हुआ क्या हुआ सर मैं P4 का पेपर दे रही थी ना तो मेरे बराबर लड़का बैठा हुआ है मुझे उसका पूरा पेपर नजर आ रहा था मतलब मुझे ये भी नजर आ रहा है कि उसने लिखा हुआ क्या है सर एक मिनट पीछे कर तो हमारे जो क्लास का इन्विजिलेटर था ना वो सर इतना ढीला उसको कुछ पता ही नहीं चल रहा मैंने अपनी एक डायग्राम पूरी कंफर्म कर ली उसको देख के उसको पता ही नहीं चला उसने बोला हुआ ठीक है कर लो उसने तो गलत लिखा है फेल ही होगी नहीं सर वो उसको वो सबको पानी दे रहा था सिर्फ अच्छा जी अब सर अभी बेटा टाइम नहीं है ये कन्वर्सेशन के लिए अलग से कॉल कर लीजिएगा आप लोग सही है अब ये बात सुने ये पेपर डी रहा आपकी स्क्रीन बराबर ऑफ हो गया मेरी स्क्रीन के साथ ये हो रहा है जो शायद कह रहे हैं नहीं सर सही आ रही है नहीं सही आ रही बिल्कुल परफेक्ट आ रही है एक ये पिवट ये रही सही है एक पिस्टन ये है और एक हैंडल ये रहा आपके पास अब मुझे बताएं कि अगर यहाँ फोर्स डाउनवर्ड लग रही है तो यहाँ फोर्स कहाँ लग रही होगी अपवर्ड लग रही है सही है क्योंकि एक मोमेंट अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो दूसरा मोमेंट क्लॉकवाइज होगा पिवट के हिसाब से देखें Yes. मैं एक फोर्स का नाम रख रहा हूँ F1 इस वाली फोर्स का नाम क्या होगा F2 F1 का परपेंडिकुलर डिस्टेंस ज्यादा है या F2 का F2 का ज्यादा F1 है F1 का परपेंडिकुलर ज्यादा पिवट से देखो ना अच्छा सही है तो जिसका जिसकी फोर्स ज्यादा होती है उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कम होता है सही है ओके और जिसकी फोर्स कम होती है उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस ज्यादा होता है तो मुझे बताओ F1 और F2 में ज्यादा फोर्स कौन सी है ज्यादा फोर्स F1 की होगी सॉरी F2 की होगी यस अब क्या लिखेंगे एक्सप्लेन व्हाई द फोर्स एक्सर्टेड ऑन पिस्टन पी इज ग्रेटर देन द फोर्स एक्सर्टेड ऑन द हैंडल तो क्या जवाब होना चाहिए इसका इट कवर्स लेस डिस्टेंस फ्रॉम द पिवट एज कंपेयर्ड नहीं कवर नहीं कवर नहीं वो मूव नहीं कर रही कवर का लफ्ज नहीं आता सॉरी इट हैज लेस परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम Yes. Yes, sir, यही होगा सही है स्मॉलर सर यहाँ पे वर्डन वाला फिनोमिना आप यूज कर रहे हैं ना Yes, F1 D1 is equal to F2 D2 हाँ वर्डन नहीं है मोमेंट है अभी तुमने जो रट के सुनाया पूरा फिर तुम बोल रहे हो मुझे याद ही हो गया तुम्हें याद नहीं मुझे समझा भाई वर्क डन का फॉर्मूला भी F×D ही होता है लेकिन वो मोमेंट नहीं होता स्मॉलर परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंस ऑफ फोर्स ना सर 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 हां सर क्वेश्चन में लिखा हुआ है फोर्स एक्सर्टेड ऑन पिस्टन पी इज ग्रेटर तो सर पिस्टन पी से पिवट तक का डिस्टेंस तो इतना कम है तो उसकी फोर्स ग्रेटर कैसे तभी तो ग्रेटर है क्योंकि उसका डिस्टेंस कम है यस जिसका डिस्टेंस कम होता है उसकी फोर्स ज्यादा होती है smaller perpendicular of force of piston sir kya likh rahe hain smaller perpendicular distance likhna tha pura kaatna padega ab of force of piston theek hai क्योंकि इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कम है इसलिए इसकी फोर्स ज्यादा है समझ आ गया सर ये आपने थोड़ा अगर हम थोड़ा मतलब अपनी मर्जी से लिखे तो हमें मार्क्स बच जाएंगे यही मतलब डेफिनेशन यही हो हम वर्ड्स अपने मतलब लिख लें यस यस बोल आप रहे हैं अल्फाज हमारे
explain how the hydraulic press enables a great force to be exerted on piston Q, then is exerted on piston P. जी हाइड्रोलिक सिस्टम है ना, प्रेशर सेम होता है. अब जब प्रेशर सेम है तो जिसका एरिया कम होगा उसकी फोर्स कम होगी ठीक है. ये भी तो पढ़ा था कि जिसका एरिया कम होता है वहां फोर्स ज्यादा लगती है. मतलब नहीं पढ़ा था कौन ए वाला बोल रही है. जिसका एरिया कम होता है वहां डिस्टेंस ज्यादा होता है. दोनों पिस्टन पे प्रेशर सेम है या नहीं है? सेम है सर. है प्रेशर का फार्मूला बताओ जल्दी से. एसबीआ तुम्हारे लिए बता रहा हूं. फोर्स अपॉन एरिया. ठीक है, दोनों का प्रेशर सेम है. इसका मतलब है दोनों की जो एफ अपॉन ए की वैल्यू है वो सेम है. अगर एक पे लिखा है 10 अपॉन 2 और दूसरे पे लिखा है 20 अपॉन 4 तो दोनों सेम है अलग अलग है? सेम ही है. तो जिसकी फोर्स कम है उसका एरिया भी कम है. अच्छा ये यू है. ठीक है सॉरी. तो हम क्या लिख रहे हैं? प्रेशर ऑन बोथ पिस्टन इज सेम. अब मुझे बताओ ज्यादा फोर्स किस पर है? Q पर. तो उसका एरिया भी ज्यादा होगा. आप क्या लिखेंगे? लार्जर एरिया ऑफ Q. As it has more force. Hence, greater force. सर मीरान सर बोल रहा था मैंने गलती की सर फरुख से ट्यूशन नहीं लेके. किससे पढ़ा था सर? पता नहीं किससे पढ़ा था. अभी सर उसे कुछ भी नहीं, मतलब बस एवरेज है सर. एक और भी हमारे पास जो है यहाँ पर हमारी क्लास में इस वक्त शायद अवेलेबल नहीं होंगे. उन्होंने उसने बोला कि मैं अवेलेबल सर पर उसे पढ़ूंगा. अच्छा जी नेक्स्ट पार्ट सी देखें. In moving the handle downwards, the 20 Newton force moves through a distance of 0.6 meter and the piston Q rises by 0.02 meter. The force exerted by piston Q on the paper is 400 Newton. Work done ka formula bataein jaldi se. Force into distance. Force into distance. Aur definition bataein Sameer. Sir, abhi to na puche. Abhi main chalo main sunata hu. Dekho mera radda kitna strong hai. Aapne bhi isi tarah rakhna hai. Work done. Kya bataya sir? The product of force applied and the distance covered by the object in the direction of force. Theek hai? देखो रटना बुरी चीज नहीं. दोबारा सुनाए सर. वर्क डन इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स अप्लाइड एंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स. परपेंडिकुलर नहीं है ये, पैरेलल वाली कहानी होती है. ठीक है, अब मुझे बताओ कि हैंडल की बात हो रही है ना जी. अब हैंडल वाला डिस्टेंस कौन सा है? देखो ये लाइन पढ़ो जरा गौर से. अजबिया पढ़ना. श्योर. इन मूविंग द हैंडल डाउनवर्ड्स अ 20 न्यूटन फोर्स मूव थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 0.60 मीटर एंड द पिस्टन क्यू राइजेस टू 0.02 मीटर. ठीक है, तो मुझे बताओ हैंडल पर फोर्स कितनी लग रही है? 20 न्यूटन. और कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है? 0.60. तो क्या करेंगे? तो वो रेशियो लगा देंगे. रेट ऑफ रेशियो थोड़ी, बस मल्टीप्लाई कर दो उसको भाई. क्या हो गया? मल्टीप्लाई करेंगे ना फोर्स और उसको डिस्टेंस. 20 into 0.6 कितना आंसर आया? 2 6 12 12 12 12. एफिशिएंसी का फार्मूला बताएं एसबीआर यार. सही आंसर अपॉन टोटल आउटपुट. आउटपुट अपॉन टोटल इनपुट. यूजफुल आउटपुट आपकी यूजफुल एनर्जी अपॉन टोटल डिवाइडेड बाय ये हमारे पास आउटपुट है.
400 मल्टीप्लाइड बाय यस ये 12 जूल टोटल इनपुट है ये किसने लगाई है 12 जूल फोर्स हमने या तो या सिस्टम ने सर सिस्टम ने अच्छा नहीं हमने लगाई है हमने लगाई हमने लगाई हमने लगाई है सर सही है आ गया समझ आंसर बताएं 100 से मल्टीप्लाई कर लीजिए 400 दो सेकंड ये क्या हुआ जैसे 200 से मल्टीप्लाई भी करना है इनटू 100 कर लो तो 6% लगा देना नहीं करो तो 0.6 देखो मेरी बात समझो मैं बताता हूँ क्या कह रहा है वो कह रहा है 20 न्यूटन फोर्स लगाई और इसको 0.6 मीटर नीचे भेज दिया सही है सही है सर आंसर 66.6 आ रहा है और फिर दूसरा वाला जो है वो कह रहा है पिस्टन क्यू राइज हुआ 400 न्यूटन फोर्स से लेकिन कितने डिस्टेंस तक 0.02 मीटर तक 0.02 तो देखो ये हमने फोर्स लगाई है ये इनपुट है सही है और हमारी फोर्स लगाने से यहाँ पर वेस्ट पेपर कंप्रेस हो रहा है क्या हो रहा है कंप्रेस हो रहा है ये आउटपुट है ये हम काम करवा रहे हैं इससे इस सिस्टम के थ्रू हम पेपर कंप्रेस कर रहे हैं हम यहाँ काम कर रहे हैं और हमें यहाँ आउटपुट मिल रहा है ठीक है सर हो गया समझ आ गया सही है देखो क्वेश्चन पढ़ोगे सब समझ आ जाएगा सर एक मिनट पार्ट बी दिखा दे बस सर इसका आंसर क्या है 67 मिनट पार्ट बी दिखा दे मेरा गलत क्यों आ रहा है सर 666.66 आ रहा है तो है यही आंसर आया 400 इनटू 0.02 अच्छा सर मेरा भी 66.667 आ रहा है 66 पॉइंट ना वो तो 600 की गाने सुना रहे हैं मिस्टर हां वो सर मैंने 0.2 से कर दिया था कैलकुलेटर मिस्टेक 66.67 को 67 ही लिखेंगे ना जी सर नेक्स्ट डिटरमाइन द एंगल ऑफ इंसिडेंस एट मिरर मिरर ए नॉर्मल बनाए या ना बनाए बनाए सर सर 60 डिग्री है या नहीं है यस सर अब कह रहे डिटरमाइन द एंगल ऑफ इंसिडेंस एट मिरर बी जीरो है या नहीं है हां सर नॉर्मल के साथ है ना जीरो है नॉर्मल के साथ है क्या बात है सुभान अल्लाह 0 डिग्री हो गया डिस्क्राइब द पाथ ऑफ द रिफ्लेक्टेड रे आफ्टर इट लीव्स द मिरर बी एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ इंसिडेंस सर 0 कैसे सर उसी डायरेक्शन वापस आ जाएगी एक मिनट वो शायद ये गजैन की बात गजैन जो सवाल जल्दी से करें अपना सर ये एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 कैसे सर समझ नहीं आया जब भी एंगल मेजर करना होता है नॉर्मल बनाते हैं यस सर तो नॉर्मल तुम बनाओगे तो ये ऐसे बनेगा यहां पे या नहीं बनेगा सर तो एंगल बताओ कितना है 0 है जब इंसिडेंट रे है ही नॉर्मल पे तो एंगल कितना होगा ओके सर समझ आया नहीं आया केस बंद फिर बाद में समझ लेंगे सर आगे हां अच्छा मुझे बताओ अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना होगा सर 0 0 होगा तो लिखेंगे द लाइट तो इसी रास्ते पे वापस आ जाएगी ना लाइट हां सर रिफ्लेक्ट इन द ऑपोजिट डायरेक्शन वेरी गुड ये लिख देना रिफ्लेक्टेड इन द ऑपोजिट डायरेक्शन सर ये कौन है जो ये स्टार पे चल रहा है इसमें ये है मिस्टर समीर मेमन माशाल्लाह एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर सही है जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है आगे चलें जो मतलब हल कर सकते हैं बिल्कुल
ऐसे ही कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो इसलिए होते हैं कि वो डिस्क्रिमिनेट करें स्टूडेंट्स में. प्लेन मिरर हैंगिंग ऑन अ वॉल इज यूज्ड टू फॉर्म द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट स्ट्रेट थ्री कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय द प्लेन मिरर. जल्दी से बताएं सर. वर्चुअल हो गए लेटरल इनवर्टेड सेम डिस्टेंस और लेटरल इनवर्टेड. सर ये वही है ना सर वो जो कलम ने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ये मिरर के किए. यस सर मिरर पे हमेशा वर्चुअल बनेगी. यस बेटा. सर वैसे सर क्लास के बाद हमें आपसे कुछ समझना है. क्लास के बाद समझने वाली रह नहीं जाएगी. वैसे पौने दो घंटे की पेपर है. पार्ट फॉर क्वेश्चन फाइव बताएं सर. एक सेकंड रिफ्लेक्टेड बाय As अच्छा सुबह कितने बजे क्लास रखनी है जल्दी से बताएं सर. जिस टाइम आप बोले फजर के बाद जितने बजे आप बोले. कल मुझे रात में मैं क्लास नहीं रख सकता. कल मैं सुबह क्लास रख सकूंगा सुबह या दोपहर में. तो आप लोग मुझे टाइम बता दीजिए. दोपहर में रखना सर. दोपहर में रखें सर. दोपहर ज्यादा चलेगी नहीं. सुबह रख ले दोपहर रख ले. हां एक फजर में रख लेते हैं एक जोहर में रख लेते हैं. सर सही है. सर मैं एग्री हूं. कोई मसला नहीं है. फजर के लिए वैसे ही उठना है सर. The components of the electromagnetic spectrum have different uses. बताएं microwave का use क्या है? Satellite television. Television. ठीक है. Ultraviolet. Sunbeds. Sunbeds लेते हैं. Sir screen नहीं आ रही मैं rejoin करूँ? Yes. ठीक है next. Explain why the choice of material for the container is important in microwave cooking. ताकि वो ओवरहीट ना हो जाए सर. कंटेनर उसको क्या करे सर. इंफ्रारेड वेव्स अपने अंदर ना वो अब्सॉर्ब ना कर ले सर ताकि हीट उसमें से पास हो सके. हीट किसमें से पास हो सके. माइक्रोवेव्स क्रिएटेड इनसाइड द ओवन आर रिफ्लेक्टेड बाय द मेटल वॉल्स. तो ऐसा मटेरियल यूज होना चाहिए जहां पर वो रिफ्लेक्ट ना करे. सिल्वर और शाइनी. ठीक है सर. ये फिर से बताइएगा मेरा इंटरनेट बंद हो गया था. देखो उसमें बोला है फिगर 5.1 चोज अ माइक्रोवेव ओवन यूज्ड टू हीट सूप. द कंटेनर फॉर द सूप इज अ ग्लास बोल. ठीक है. माइक्रोवेव्स क्रिएटेड इनसाइड द ओवन आर रिफ्लेक्टेड बाय द मेटल वॉल्स. एक्सप्लेन व्हाई द चॉइस ऑफ मटेरियल फॉर द कंटेनर. कंटेनर यहाँ पर देख रहे हैं आपके ग्लास बाउल है. ग्लास बोल है सही है. फॉर द कंटेनर इज इंपॉर्टेंट इन माइक्रोवेव कुकिंग. मतलब अगर आप प्लास्टिक का कंटेनर रख दें माइक्रोवेव में मेल्ट हो सकता है या नहीं. हो सकता है. होता है. मेल्ट हो जाएगा. ठीक है. तो आपने ऐसा कंटेनर यूज करना है जो माइक्रोवेव्स को क्या करे बर्दाश्त. वो सहज है सर. करे हीट बर्दाश्त कर सर. अब्सॉर्ब ना करे. उमर क्लास में कंटेनर must allow microwaves to pass. Sir, bear नहीं लिख सकते. Containers must. Bear भी ठीक होगा लेकिन देखो मेरी एक बात बताओ. अगर मैं ये soup metal container में ही boil जो उसको गर्म करूँ तो ये सही है या गलत है. गलत है. जो माइक्रोवेव्स को अलाउ करे कि उसके थ्रू पास कर सके रिफ्लेक्ट ना करवाए. ठीक है. अगर रिफ्लेक्ट करवाएगा तो माइक्रोवेव्स हर डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट होंगी तो जहां से माइक्रोवेव जनरेटर है वहां पर भी जाएंगी और ये नुकसान करेगा माइक्रोवेव को. ठीक है. ओके सर.
The soup is mostly water. Microwaves are completely absorbed by a few centimeters of water. As a result, microwaves do not reach the center of the soup. The instructions suggest that after the microwave oven is turned off, the soup is not stirred. मतलब उसको हिलाना नहीं है. मतलब समझ रहे हैं ना, हिलाना means के जैसे चाय में चीनी घोलते हैं ना, उसको कहते हैं stir करना. जी जी sir. Is left for some minutes so that the center becomes hot. State the name of and describe each of the two processes by which thermal energy transfer throughout the soup. पानी में liquid में energy transfer को हम कहते हैं convection. After the microwave oven is turned off. Name of convection first process. हाँ, name of first process. और उसका डिस्क्रिप्शन. कन्वेक्शन नाम है तो पहले आप नाम लिख दें. कन्वेक्शन, कन्वेक्शन आ गया बस. कन्वेक्शन कह रहा हूँ, ऐसा लग रहा है जैसे अदालत बिठाई है. और दूसरा क्या है? कंडक्शन. गैस. अजबिया क्या पूछ रही हैं आप? कुछ नहीं सॉरी. लिक्विड में हीट ट्रांसफर को कन्वेक्शन कहते हैं. इसका डिस्क्रिप्शन क्या है, क्या होता है कन्वेक्शन के थ्रू हीट ट्रांसफर कैसे होती है? जो गर्म जो ठंडा वाला होता है वो नीचे आ जाता है और गर्म वाला जाता है ऊपर चला जाता है. तो लिखेंगे मॉलिक्यूल्स एट हीटेड एंड विल गो टू द सरफेस एंड द सरफेस मॉलिक्यूल्स विल कम. नहीं ना, अभी सरफेस पे तो भेजते हैं, सब्र करो. पहले सरफेस पे जा क्यों रहे हैं वो तो बताएं. सर क्योंकि सर वो लेस डेंस होते हैं, जो पार्टिकल्स फार अपार्ट होते हैं दे बिकम लेस डेंस. सेपरेशन बढ़ जाती है जब हीट करते हैं. सेपरेशन बढ़ जाती है. जितना डिस्क्राइब कर सके लिखें. सही है. एंड राइजेस. अब जब ये राइज करेंगे तो इनको रिप्लेस कौन करेगा? सर वो जो डेंस कोल्ड वाटर में नीचे आ जाएगा. जो कोल्ड और डेंसर लिक्विड. Places them. उनकी जगह कोल्ड और जो डेंसर मॉलिक्यूल्स हैं लिक्विड के वो घेर लेते हैं. सेकेंड प्रोसेस क्या है? सेंटर बिकम्स हॉट. कंडक्शन. रेडिएशन भी हो सकता है. कंडक्शन सर. कंडक्शन सर. कंडक्शन लग यस. ऐसा कंडक्शन होती है लिक्विड्स में भी. तो वो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से एनर्जी गेन करते हैं ना, उसमें यही है ना? कोलिजन की वजह से. जी कोलिजन की वजह से. यार वैसे ऐसे सवाल आते हैं वाला जो बहुत ही मनहूस होते हैं कि स्टेट आपकी अजम्पशंस की वैल्यू है वो कम क्यों होते हैं, वो कभी भी हल नहीं होते मुझसे. कितने होते हैं वो पूरे पेपर में? दो तीन. कोई मसला नहीं. जितना तुम्हारा पॉसिबल हो उसके करीब क्लोज आंसर देना बस, क्योंकि हर दफा ये कुछ भी आ सकते हैं इसमें क्वेश्चन. चांस ऑफ एरर तो बेटा हर एक के लिए, आप उसको रिड्यूस कर सकते हैं, खत्म नहीं कर सकते. सर 21 कर लिया था इसका वेरिएंट 2020 का. जी कर दिया था. कल ही बताइएगा आपने क्या बोला है कि जो ताहा के सवाल का जवाब क्या था, आपने क्या दिया? किसके सवाल का जवाब? ताहा ने सवाल किया था ना अभी, वो आपने क्या कहा कि क्या कम कर सकते हैं और क्या चांसेस एरर के? चांस ऑफ एरर आप रिड्यूस कर सकते हैं, खत्म नहीं कर सकते. ठीक. मतलब आप गलती तो यकीनन अच्छे से अच्छा बच्चा भी हो तो उसके चांसेस हैं गलती करने के, वो गलती करने के चांसेस को कम तो कर सकता है, खत्म नहीं कर सकता. बहुत रेयर केस होता है कि आप 100 में से 100 पूरे मार्क्स लेते हैं, क्योंकि इसमें ये रट्टे के क्वेश्चन नहीं है. इसमें चांस है कि आप कहीं ना कहीं कोई मिस्टेक कर देंगे तो, लेकिन बस आप उसको मिनिमाइज कर सकते हैं. जैसे अब मुजम्मिल कह रहे हैं कि दो दिन हम अपनी तरफ से कोई डेफिनेशन दे दें जो कोर्स में भी नहीं है लेकिन सही है, फिर भी वो मार्क्स दे देगा. वो फिर सीख लेगा, वो कहेगा आप अपना नंबर प्रोवाइड कर देना, हम ट्यूशन ले लें आपसे. क्वेश्चन नंबर 6. नहीं सर ऐसा कैसे हो सकता है. डेफिनेशन जनरल होती है, वो एक ही होती है. द क्लोथ्स आयरन शोन इन फिगर 6.1 कनेक्टेड टू द इलेक्ट्रिकल मेन्स. द बॉक्स इन द लेफ्ट कॉलम बिलो कंटेन सम इलेक्ट्रिकल हैजर्ड्स. द बॉक्सेस इन द राइट कॉलम कंटेन मेथड्स ऑफ प्रोटेक्शन फ्रॉम दीज हैजर्ड्स. फॉर ईच हैजर्ड ड्रॉ वन लाइन टू अप्रोप्रिएट मेथड ऑफ प्रोटेक्शन. बताएं जरा. वॉन्ड इंसुलेशन टू द केबल, ऑन द केबल टू द आयरन. सर विजुअल चेक
ऑफ केबल बिफोर कनेक्टिंग टू द मेंस. ठीक है जी. दूसरा लूज लाइव वायर इन द आयरन टचेस इट्स मेटल केस. सर अर्थ वायर सर्किट ब्रेकर. सर पहला वाला अर्थ वायर. सर अर्थ वायर वाला. केबल बिकम्स टू हॉट बिकॉज़ करंट इज टू हाई. सर्किट ब्रेकर. सर्किट ब्रेकर. ब्रेकर. क्या बात है सर, ये तो सबको आता है. बेहतरीन हो गया. किलोवाट आवर की डेफिनेशन बताएं. यूनिट ऑफ एनर्जी पावर के लिए. अच्छा यूनिट ऑफ एनर्जी लेकिन यूज पावर के लिए करेंगे. व्हेन पावर इज इन किलोवाट्स. सर मेरे और अब्दुल्लाह के जरिए की हालात हैं. यार तुम लोग देखो इतना आसान करके पढ़ाया. अगर इस तरह की गलतियां करोगे मैं हंसने के अलावा क्या करूं बताओ. अब तो मुझे खुद पे हंसी आ रही है, तुम पे नहीं हंस रहा. रिकॉर्डिंग्स दे दी, सब कुछ कर दिया, दिन भर दिल चाहे पढ़ते रहो, लेकिन अब क्या करो इसके अलावा. एंड टाइम इज इन आवर्स. टाइम इज इन आवर्स एंड यूज्ड इन कैलकुलेशन ऑफ. एंड कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट. वेरी गुड. देख रहे हैं आप लोग, ये इनका पेपर जून में होना है. सर मैं तो मिड ईयर की तैयारी करने के लिए आया हूं आपकी क्लास में. देख रहे हैं आप लोग, देख रहे हैं. आयान नहीं उमर तारीख की तैयारी करते. आयान है तो किस लिए आया हो यहां सर? सर दिमाग की तो होता है. कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ रनिंग द आयरन फॉर दिस टाइम. एनर्जी का फार्मूला बताएं. सर इसको किलोवाट एनर्जी पावर इन टाइम. सर किलोवाट इनटू आवर से करते हैं. मल्टीप्लाइड बाय पावर इन टाइम होता है सर. 20 अपॉन 60 बताएं आंसर कितना आ रहा है. बताएं 0.4 आ रहा है. उसको मल्टीप्लाई करते हैं 0.4 को 20 से. सर 8 सेंट्स. ठीक है समझ आया सबको? पूछना है किसी ने? समझ आ गया. समझ आया. सर आपको कोई फॉर्मूला शीट रखी हुई है? सब फॉर्मूलास की एक बार मंदा नजर देख लेता. जी मैं भेज दूंगा आपको. जी ठीक. थैंक यू सर. सर एक सेकंड पूछी जाएंगे. एक सेकंड सर. हसबिया अगर नहीं समझ आया. सर मिड टर्म. मुझे एक दो मुझे बता दें प्लीज. सॉरी हसबिया ये वाली इंग्लिश पढ़ने देंगे जरा. ये वाली कौन से? ये आ गई समझ. मैं कैलकुलेशन देख रही थी. 1200 को 1.2 लिख दिया मैंने. अच्छा किलो में. ठीक है हां सही है. मिनट्स को मैंने ये कर दिया. वाओ सही है. ये एनर्जी आ गई जी. इससे मल्टीप्लाई कर दी. सर आपने मिनट्स को आवर्स में चेंज किया है? जी बेटा क्योंकि यहां मैं देखें इधर लिखा है ना मैंने. जी सर जी सही है. सर फुल रॉकेट साइंस वाला क्वेश्चन बोल नाम. हां सर आप भी ये जो सर वो फार्मूला वाली शीट है ना सर, वो मिड टर्म में वो एप्पल वॉच में से मैं P2 में देख रहा था. हाँ बेटा इस दफा भी ऐसा करना, कोशिश करना कैसे नजर कैसी आती है एप्पल वॉच में. इस दफा ऐसा कुछ नहीं करना बेटा, रिस्क नहीं लेना, ऐसा कुछ नहीं करना. जी क्वेश्चन नंबर 7. रेडॉन 222 इज एन आइसोटोप ऑफ रेडॉन व्हिच अंडरगोस अ सीरीज ऑफ रेडियोएक्टिव डिकेज. फिगर 7.1 इज अ डायग्राम शोइंग द प्रोटॉन नंबर व्हिच इज एटॉमिक. सबसे बुरा टॉपिक लगता है ये. एंड न्यूक्लियॉन नंबर ऑफ न्यूक्लिया इन्वॉल्वड इन द सीरीज ऑफ डिकेज. जब आपको मुश्किल लगता है तो फिर आपको उसको ज्यादा पढ़ना चाहिए. The point P represents a nucleus of radon 222. Starting at P, a nucleus of radon 222 decays to Q. P किसमें convert हो गया? Q में. आप जरा जल्दी से मुझे बताएं. P में proton कितने हैं? 86. बेटा P में proton कितने हैं? तुम लोग कसम से सवाल सुनो. जवाब देते हो. फिर P में nucleon number कितने हैं? 222. 222. अब Q के प्रोटॉन बताओ. It's 84. 84. Q के न्यूक्लियॉन. 218. 218. बताओ कौन सा डिके है ये? सर अल्फा डिके. अल्फा डिके. अल्फा. सही है. गुड. स्टार्टिंग एट P अ न्यूक्लियस ऑफ रेडॉन 222 डिकेज टू Q, देन फ्रॉम Q टू R, देन फ्रॉम R टू S, देन फ्रॉम S टू T, एंड फाइनली फ्रॉम T टू U. ये समझ आ रही बात है सारी या नहीं? है नहीं दोस्त. बहुत फास्ट हो गया.
P2Q अल्फा हो गया। सही, हमें पता कैसे चला अल्फा हुआ? हमें फार्मूला लगाया अपना अल्फा का। ये सवाल कौन पूछ रहा है? P2Q और भी अल्फा हो गया। नाम बताएं, सवाल पूछने वाले का नाम क्या है? छोड़ दे, तुमने पूछा था अज़बिया जी। अज़बिया, अल्फा अल्फा डिके में 4 न्यूक्लियॉन कम होते हैं और 2 प्रोटॉन कम होते हैं। जी सर जी, मैं देख आगे। अब मुझे देखो क्यू और आर का देख के बताएं जल्दी से। क्यू और आर प्रोटॉन कितने कम हुए? सर ये भी अल्फा है। सर ये सेम अल्फा है, ये भी अल्फा है, तो अल्फा लिखते हैं यहाँ पर। सही है। अब मुझे बताएं आर से टी, आर से एस, सॉरी आर से एस, बीटा 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 लिखे तो इंक्रीज हो ना। और एस से टी, एस से टी सर बीटा, बीटा डीके हो गया। और टी से यू अल्फा, सर अल्फा अल्फा। बेहतरीन जवाब दिया आप लोगों ने। अब जल्दी से क्वेश्चन पढ़ते हैं। ए पार्ट 1 स्टेट 2 पॉइंट्स ऑन फिगर 7.1 रिप्रेजेंट आइसोटोप ऑफ द सेम सेम एलिमेंट। प्रोटॉन के कहां कहां पर है? यू आर और क्यू, टी और क्यू, टी क्यू और यू आर लिख सकते हैं या नहीं? यू आर लिख सकते हैं, तो दोनों आंसर हो सकते हैं, आप कोई भी एक लिख लें। सही है सर, एक टी यू और पी क्यू ना, टी एंड क्यू, आर एंड यू। तुम तो रटना ही सिर्फ शायद और कुछ ना करना जिंदगी में। सर अच्छा बोला था, आप ये डीमोटिवेट कर रहे हैं सर। डीमोटिवेशन नहीं है, ये मोटिवेशन है। बेइज्जती फील करो तो आगे फिर उसको खत्म करने के लिए पढ़ाई ज्यादा करते हैं। ओके सर इंशाल्लाह। टी और क्यू को देखो, प्रोटॉन सेम है या नहीं है? जी सर है सर। और यू और आर के हैं या नहीं है? है सर। तो या तो आप टी क्यू लिखेंगे या फिर यू आर लिखेंगे। ठीक है, सही है सर। नेक्स्ट, different isotopes of the same element have different atomic composition, state how the composition of the atom is different. kya different hota hai unme sir? the neutrons different hote hain, neutrons different hote hain. very good, they have different neutron number. isko nucleon number bhi aap keh sakte hain, kyunki jab neutron different hoga to nucleon number bhi different ho jayega, lekin atomic composition ka zyada acha जवाब ये कि आप बोलें न्यूट्रॉन्स डिफरेंट होते हैं। सही है? Got it sir, got it. Yes sir. Part B, part 1, very good sir. A nucleus of radon 222 emits an alpha particle as it decays. The radioactive decay of a single nucleus is random. Explain what is meant by random radioactive decay by a nucleus. Sir, direction of decay or time of decay? They have no direction and they don't have any specific time to decay. Very good Azbia, we cannot predict. दो बातें हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, कब डिके करेगा और किस डायरेक्शन में डिके करेगा। Who is Marsden? Asbia is the new. तो मैं बताऊं ग्रेड किसके किसके आएंगे? समीर, राम और Asbia के, इनके ये स्टार्स आएंगे, शायद किसी sure. और के भी आए। श्योर ये जो मुजम्मिल कह रहा है ना, ये भी अच्छा ग्रेड लाने वाला है। सर मैं आपको ये इसको श्योर कह रही हूं, अगर इसका ग्रेड आया ना, आई स्वेयर टू गॉड मैं उसको बहुत मारूंगी। मैं एड्रेस सर, आप डिजर्व करते हैं कि आपके एक बच्चे डिस्टिंक्शन लाए। सर इसकी शक्ल वैसे देखे ना मुजम्मिल की, मैंने बिल्कुल नहीं, पूरा रोने वाला हुआ होता सर। ये डायरेक्शन ऑफ द इमिशन लिख लेना। सही, उसे क्या कह रहे हो तुम? फिर तुम बोलोगे मैंने तुम्हें इग्नोर कर दिया, मैंने सुना नहीं, दो तीन आवाजें आ रही होती हैं ना सबके सामने। सर चुप। अच्छा ओके, नेक्स्ट पार्ट 2 इन न्यूक्लियर नोटेशन रेडॉन 222। मैंने पिछला क्वेश्चन नहीं लिखा सर, एक सेकंड पीछे ज्यादा जल्दी जा रहे हैं। मैं आईपैड पे लिख रहा हूं, आप लोग वहां लिख नहीं पा रहे थे जल्दी। व्हेन द डन ओके सर, थोड़ा सांस तो लेने दे। सांस ही लेना है बेटा अब तो तुम लोगों ने, और क्या करना है सर? हो गया, आगे चलें। इन न्यूक्लियर नोटेशन रेडॉन 222 इज रिटन एज, ये आपके पास सिंबल लिखा है, व्हेन अ न्यूक्लियस ऑफ रेडॉन 222 एमिट्स एन अल्फा पार्टिकल इट डिकेज टू एन आइसोटोप ऑफ पोलोनियम। अल्फा पे क्या होता है जल्दी से बताएं? 42 क्या लिखेंगे हम सर? 218 और 84 क्या लिखेंगे? 218 और 84 माइनस कर देंगे ऊपर से 4 और नीचे से 2। ठीक है, ठीक है सर। और ऐड करके देखेंगे सेम आना चाहिए, 218 प्लस 4 222 होता है और 84 प्लस 2 86 होता है। ठीक है जी। पार्टिकल एमिटेड एज अ न्यूक्लियस ऑफ आर डिकेज टू अ न्यूक्लियस ऑफ एस। आर और एस, आर से एस,
वेरी गुड इलेक्ट्रॉन सही है पार्टिकल बीटा ना हम इलेक्ट्रॉन लिखेंगे इलेक्ट्रॉन ही तो होता है उसको हम बीटा पार्टिकल कहते हैं हम बीटा लिखे हैं तो गलत होगा क्या हम होना तो चाहिए मतलब कंप्लीट आंसर तो नहीं हो सकता वो सही है लेकिन बीटा पार्टिकल को भी आप इलेक्ट्रॉन ही कहते हैं कोई मसला नहीं डिस्क्राइब द चेंज इन द कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियस ऑफ आर एज इट डिकेज टू अ न्यूक्लियस ऑफ एस सर एक न्यूट्रॉन कम होता है और एक प्रोटॉन न्यूट्रॉन कम हो जाएगा बढ़ता है मास नंबर सेम रहता है न्यूट्रॉन डिक्रीजेस एक न्यूट्रॉन कम हो जाएगा और एक प्रोटॉन बढ़ जाएगा सही है ये क्लियर है यहां तक यस सर जी सर नेक्स्ट अजबिया रीड कर श्योर बिकॉज़ 8.1 शोज अ सर्किट डायग्राम ऑफ अ टेंपरेचर गॉग इट कंटेन्स एन एमीटर अ थर्मिस्टर एंड अ फिक्स्ड रेजिस्टर आर एंड अ बैटरी द करंट इज मेजर्ड एट डिफरेंट टेंपरेचर एंड द ग्राफ ऑफ द रिजल्ट इज शोन इन फिगर 8.2 State how the resistance of the thermistor changes when with temperature and explain how figure 8.2 shows this change. पता है temperature बढ़ने से temperature बढ़ता है तो resistance कम होती है और current बढ़ता है. ठीक है तो temperature I'm looking as the temperature increases. The resistance Decreases. And the current increases. कह रहे हैं आपसे कि state how the resistance increases. Figure 8.2 ऐसा change show कैसे कर रहा है तो वो बताएं कि sir current भी increase हो रहा है तो वो current increase कर रहा है सही टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे करंट बढ़ता जाएगा और ये ग्राफ यही शो कर रहा है सही है यस रेजिस्टेंस एंड करंट आर यूज्ड फॉर द मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर स्टेट वन ऑफ द फिजिकल प्रॉपर्टी दैट इज यूज्ड फॉर द मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर देखो बहुत सारी चीजें हैं नोट्स में लिखवाई हुई हैं नोट्स आप लोगों ने जिन लोगों ने पढ़ा था थर्मल मुझसे उनको याद होगा इसमें है चेंज इन वॉल्यूम ठीक है चेंज इन आपके पास प्रेशर ऑफ अ गैस एट फिक्स वॉल्यूम या चेंज इन वॉल्यूम ऑफ अ गैस एट फिक्स प्रेशर कुछ भी लिख सकते हैं चेंज इन वॉल्यूम ऑफ अ गैस इन एट फिक्स प्रेशर यस मेरी जो मेरे पास थर्मल के नोट्स पता नहीं कहाँ गए बाकी तो है सारे तो आप थर्मल के भेज सकते हैं मैंने जो लिंक दी है उस पर अपलोड हो जाएंगे अपलोड कर दूँ सही है हाँ सही है अ टेम्परेचर स्केल इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ फिक्स्ड पॉइंट स्टेट व्हाट इज मेंट बाय आइस पॉइंट किसे कहते हैं सर द मेल्टिंग पॉइंट द टेम्परेचर आइस मेल्ट अच्छा पॉइंट नहीं लिखेंगे जब भी लिखेंगे टेम्परेचर लिखेंगे temperature at which ice melts ठीक है steam point किसे कहते हैं sir temperature at which liquid boils very good the temperature at which water boils सर यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं कि स्टीम प्रोड्यूसेस स्टीम इज प्रोड्यूस यस एट 80 डिग्री सेल्सियस द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द थर्मिस्टर इज 3.6 वोल्ट स्टेट व्हाट इज मेंट बाय पोटेंशियल डिफरेंस सर द अमाउंट ऑफ एनर्जी कन्वर्टेड इलेक्ट्रिकल टू नॉन इलेक्ट्रिकल मूव यूनिट कूलम पर चार्ज एनर्जी कन्वर्टेड
टू नॉन इलेक्ट्रिकल सर वर्क डन भी लिख सकते हैं ना यस इलेक्ट्रिकल टू नॉन इलेक्ट्रिकल टू मूव यूनिट कूलम्ब चार्ज पूरा सर्किट या कंपोनेंट कंपोनेंट नेक्स्ट कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ द थर्मिस्टर व्हेन द टेंपरेचर इज 80 पर देखें करंट कितना है 0.14 और वोल्टेज कितना है 3.6 डिवाइडेड बाय 257.14 सर 257.14 मेरा भी सेम है फिर पार्ट टू सर इसमें टोटल करंट ले लेंगे ना क्या वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स अब जी बेटा बोलें इसमें टोटल करंट ले लेंगे ना नेक्स्ट वाले में जी सर सर इसमें मैंने 257.14 लिखा है तो ये सही है क्या सही है जो भी आपका आंसर है वो भी लिखिए आपने 260 क्यों लिखा सिग्निफिकेंट फिगर्स का ख्याल रखा है तो आंसर में डाटा में दो है ना सर ये मुझे आज तक सिग्निफिकेंट फिगर का समझ ही नहीं आया है ये 80 जो है इसको इग्नोर करें आप 257.14 अच्छा चलो इसका मार्क नहीं है आप लोगों को लगा दूंगा 5 वोल्ट कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ द रेजिस्टर आर अब मुझे बताएं कि इस सर्किट सर टोटल करंट ले लेंगे ये सीरीज सर्किट है पैरेलल सर्किट है सीरीज तो इसका करंट सेम रहेगा ये जो सारा कह ही जा रही है टोटल करंट लेंगे टोटल करंट लेंगे तो इसलिए लेंगे क्योंकि सीरीज सर्किट है तो सर सही बोल रही हूँ ना हाँ ना तो बोल दे आप कह तो सही रही हैं लेकिन आप रीजन भी तो बताएं ना साथ ठीक है तो 0.014 ये आपके पास सर अच्छा, ये हमने 260 तक क्यों राउंड ऑफ कर दिया नहीं कर रहे भाई माजरत चाहते हैं आपसे 257.14 लिखे हम टेंशन ना नहीं सर जी गलत है ना सर ये आपको नहीं करना चाहिए ये 3.6 वोल्ट है अब मुझे बताएं थर्मिस्टर का सॉरी इसका 3.6 है मुझे बताएं रेजिस्टर का वोल्टेज कितना होगा जल्दी से सर माइनस कर देना है करके बताएं सर 21.4 इज द वोल्टेज ऑफ रेजिस्टर ठीक है तो यहां पर आप लिखें सही ये दूसरे की क्या किया है सबसे पहले यहां इंग्लिश पढ़ाएं जल्दी से अब 25 यहां लिख दिया मैंने जी अब ये वाली इंग्लिश पढ़ें ऊपर कहां पे मुझे भी नहीं आ रही अच्छा एट 80 द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द थर्मिस्टर 3.6 सही है ठीक है नहीं ठीक है जी 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 अब फॉर्मूला बताओ रेजिस्टेंस का क्या R is equal to V upon I V कितना है
20 कितना था 3.6 नहीं 21.4 आंसर बताएं सर 1528.57 तो यानी 1530 ओम्स 1530 सही है या 1528 लिखूंगी तो गलत तो नहीं होगा ना नहीं नहीं होगा द करंट स्केल ऑन द एमीटर इज लीनियर Using values from the gauge point 2, student marks the scale on the ammeter with temperature values that correspond to the values of the current. The temperature is then read directly from the temperature scale on the ammeter. State what is meant by a sensitive thermometer. Sensitive ka matlab kya hota hai? Sir, zyada aati hai. Aur responsive ka matlab kya hai? Sir, jaldi jaldi temperature change. Sensitive thermometer ka matlab hai. When the rate of change of thermometric property is high. Sensitivity की definition होती है change in thermometric property per degree rise in temperature. सही है? सर फिर से बोले आपकी आवाज कट गई थी. Sensitivity की definition होती है change in thermometric property per degree rise in temperature. सर यानी वो कितना respond कर रहा है change in temperature को? Yes. सर alcohol ज़्यादा sensitive होता है ना सर उससे mercury से as compared yes. to yes. So change the change in temperature change in sir sensitivity kya likhwai thi taki ye na ho na ki sirf sensitivity ki pooch le mein aaye na So you're writing it or my screen isn't working? मैं तो लिख रहा हूँ सर आप पूरा पेपर आज करा रहे हैं नहीं करा नहीं करवा दें नहीं नहीं सर आज ही कराऊंगा स्टेट एंड एक्सप्लेन एट व्हिच टेंपरेचर दिस थर्मोमीटर इज मोस्ट सेंसिटिव जहां पर चेंज इन टेंपरेचर सबसे ज्यादा होगा ना सर बस ये लिख देंगे वेयर सर वेयर चेंजेस क्या क्या हो रहा है स्क्रीन पे क्या कह रहे हो एक मिनट सर रोमन में लिख के कन्वर्ट करता हूँ सर ये आखिर वाली ग्राफ में ज्यादा सेंसिटिव है ना हाँ क्योंकि उस वक्त ज्यादा टेम्परेचर है तो ज्यादा करंट चेंज है सर एक्सप्लेनेशन लिखिएगा जरा आप देखें ग्रेडियंट जो है ना बिटवीन 80 एंड 100 सबसे ज्यादा है सही है ग्राफ में लाइन देख रहे हैं आप वर्टिकल होती जा रही है जी सर सेंसिटिविटी वहां पर ज्यादा है क्योंकि वहां पर 80 टू 100 20 डिग्री सेल्सियस के चेंज में करंट का चेंज एज कंपेयर टू ऑल द वैल्यूज इन द ग्राफ सबसे ज्यादा है तो बड़ा 15 मार्क्स का क्वेश्चन है ये तो जी बेटा ये सेक्शन बी है ना बड़ा हाँ, पढ़ें।
अच्छा मैं अगर मतलब मुझे मैं से शायद इसको गेज कहते हैं, आप लोगों ने एक दफा इसको देख भी लीजिएगा, ये गेज है सही है। सजेस्ट ट्राई द टेंपरेचर ऑब्टेंड यूजिंग द गेज इज स्लाइटली हायर देन द एक्चुअल टेंपरेचर ऑफ द रूम। क्यों होगा सर? वो हीट की वजह से जो उसने वो रेजिस्टर की वजह से हीट आ रही है। हाँ, जो रेजिस्टर खुद अपनी हीट जनरेट कर रहा होगा वो तो रूम की हीट नहीं थी ना, तो वो भी एड अप हो रही होगी। ये वाली बात समझाना फिर से। सवाल का उर्दू मतलब बताओ जल्दी से अजबी। तो मेरी उर्दू टेंपरेचर गेज इज यूज्ड टू मेजर द टेंपरेचर ऑफ द रूम। तो टेंपरेचर जो रूम का होता है उस टेंपरेचर गेज से उसको मेजर करते हैं। सही है। कि टेंपरेचर जो है वो जो ऑब्टेन किया है वो स्लाइटली ज्यादा क्यों है जो एक्चुअल टेंपरेचर है रूम का उससे? क्योंकि जो गेज है उसमें रेजिस्टर लगा हुआ है। लगा हुआ है उसमें हीट प्रोड्यूस कर रहा है रेजिस्टर या नहीं? करेगा। वो हीट रूम में जाएगी नहीं जाएगी? जाएगी। ओके। वो एक्चुअल टेंपरेचर से ज्यादा टेंपरेचर बताएगा जरा सा, वो इस वजह से होगा क्योंकि कुछ हीट रेजिस्टर की वजह से रूम में ऐड हुई है जो पहले नहीं थी। सर हर रेजिस्टर अपनी हीट प्रोड्यूस करता है। जी बेटा, हीट रेजिस्टर का काम ही हीट प्रोड्यूस करना होता है। तो रुकता नहीं है सर। और मैंने एक दूसरी जगह पढ़ा था लैंप आल्सो एक्ट्स एज अ रेजिस्टर। लैंप आल्सो एक्ट्स एज अ रेजिस्टर। हां, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है वो उस पर रेजिस्टेंस तो अपनी होती है उसकी। ओके सर, मगर लैंप अगर किसी लैंप को अगर देखें आप तो वो भी अलग ही हीट प्रोड्यूस कर रहा होता है। सर एक पीछे करिएगा। सिर्फ लैंप का बल्ब अगर आप देखें तो देखने से अलग ही। नहीं नहीं, अगर वो चल रहा है तो वो एक अलग ही हीट पैदा होती है। जैसे मिसाल तौर पर कोई बल्ब को जब ऑन कर दें और फिर उसका जब ऑफ करें तो वो अलग गर्म हो रहा होता है उसको अगर हाथ लगाएं तो। तो इस वजह से होता है क्या मजाक है? सेक्शन बी में ऑलमोस्ट सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म और इन सब के सवाल हैं। हां, नेक्स्ट टाइम ऐसा करेंगे ना तो आपसे पूछ लेंगे कौन-कौन से देने टॉपिक में। सर तो कुछ तो बंदा ऑप्शनल देता है, सारे इसमें से दे दिए उन्होंने। जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी लैम्प जो है वो इनपुट के तौर पे ले रहा है वो सारी हीट में लाइट में कन्वर्ट नहीं होती, उसका कुछ पार्ट हीट में कन्वर्ट होता है क्योंकि वो फिलामेंट है ना जो लाइट एमिट कर रहा है वो उसका टेम्परेचर इंक्रीज करता है, वो हीट गेन करता है, तो वो हीट एक्चुअली उसकी वजह से होता है। Figure 9.1 shows a simple relay used to switch a mains electric motor on and off. State and explain why the motor switches on when the switch S is closed. अच्छा diagram जब भी दी होगी सबसे पहले diagram read करेंगे। पढ़ें springy metal, contacts, pivot, iron armature, core, coil of wire, insulator, mains, motor, सही है? और ये switch S। समझ आ गई बात? जब भी diagram दी होगी उस पूरी diagram को आराम से तसल्ली से read कर लेना। स्विच एस को क्या करना है? क्लोज करने का मतलब है करंट अलाउ कर दिया आपने। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटाइज हो जाएगा। यस। जब ये मैग्नेटाइज होगा तो ये बार यहाँ से मैग्नेट से अट्रैक्ट हो जाएगी। जी ठीक है, कॉन्टैक्ट क्लोज हो जाएंगे। क्या क्या हुआ? ऊपर लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? सारा पूछती है मैंने ये रीडिंग तो नहीं है, फिर उसको रियलाइज हुआ कि ऊपर क्वेश्चन में लिखा हुआ है। ओ वाओ, सिंपल रिले। अच्छा तो ये मोटर चलेगी नहीं चलेगी? चलेगी। तो बस ये लिखना है जो कुछ हमने यहाँ पर पढ़ा, ये लिखना है। क्या लिखें बताएं गजैन? सर मैं बताऊं? सर आवाज नहीं आ रही है। सर मैं बताऊं? व्हेन द स्विच इज क्लोज द आयरन आर्मेचर इज मैग्नेटाइज्ड एंड इट कम्स क्लोज टू द कोर, द कॉन्टैक्ट्स आर क्लोज एंड द मोटर स्टार्ट्स वर्किंग। अब भी उर्दू में बताओ। श्योर सारा, श्योर। स्विच को बंद करेंगे, आयरन आर्मेचर को बंद नहीं करेंगे, स्विच को बंद नहीं करेंगे, स्विच को ऑन करेंगे। क्लोज स्विच का मतलब पीआई की एयर होसेस लग रही हो ऐसे बंद करेंगे। ये जिस हिसाब से मेरी पढ़ाई जा रही है मैं बस होस्टेस लग सकती हूँ। वो बस होस्टेस नहीं होता, कंडक्टर होता है। सही से तो बोलो भाई, थोड़ा बंदा वो चीप लगता है ना। सर
S is closed. सर वैसे आपका ऐसा कोई कभी एक्सपीरियंस तो नहीं रहा ना कि आपने अक्टूबर नवंबर वाले इतने जलील और ख्वार 2020 के बच्चों को पढ़ाया हो? मेरा काम है पढ़ाना, मैं इसमें इस तरह नहीं सोचता सर। जलील और ख्वार फोकस इन सर, वैसे वही तो बहुत है, उनको मुफ्त के मजे मिलते हैं और हम जलील हो। आज तो मेरे किसी मेजर वाले बच्चे के साथ काइंड ऑफ लड़ाई हो गई। पता नहीं वो बैठा होता तो मैंने गलती से कह दिया कि मेरे ग्रेड ज्यादा इम्पोर्टेंट हैं क्योंकि मैं देरी हूँ, तो फटे हो गए। सही है, लिख लिया आप लोगों ने? सर दो सेकेंड सर। सर आयरन इसलिए इस्तेमाल होता है क्योंकि सर वो परमानेंटली मैग्नेटाइज नहीं होता है। और क्या लिखें? दो मार्क्स हैं। अगर स्टील यूज किया तो क्या होगा? तो परमानेंटली मैग्नेटाइज हो जाएगा। सर परमानेंटली मैग्नेटाइज होगा और वो फिर वो बंद ही नहीं कर पाएंगे आप पोर्टल को, मतलब बंद नहीं होगा। तो मेरा मेजर मसला है ना पेपर में वो इंग्लिश है, मैं इंग्लिश कभी भी सही नहीं होती, इसलिए मेरे मार्क्स भी कटते हैं। शायद बताओ कैसे करेंगे सर। भाई जो समझ आया ना वो पेंसिल से रोमन में लिख लो वहां पे और फिर उसको पॉइंट बाय पॉइंट उसको कन्वर्ट करो। मैंने तो पूरा एटीपी ऐसे ही किया सर। हाँ फिर दो घंटे के पेपर में चार घंटे फिर देने चाहिए। ऐसा नहीं होगा करके, सर मैंने ऐसा नहीं होगा सर। मैंने एटीपी 45 मिनट में इस तरह करके 45 मिनट में बंद करके रख दिया था पेपर। मैं आपको यही बता रहा हूँ, ये देख अभी ये पेपर भी आप देखिएगा जल्दी कवर हो जाएगा। सर दुआ करें आसान आ जाए बस। मैंने तो सर आराम से खींचा था, एक घंटे आराम से बैठ के किया था। आप यकीन करें पेपर बहुत आसान होगा, ये मेरा आपसे वादा है। आप लोग बस अपनी मेहनत करें, अपना काम पूरा करें। जनरल फिजिक्स आएगा इंशाल्लाह सर, इंशाल्लाह। पॉइंट 3 देखें, स्टूडेंट सजेस्ट दैट द मोटर कैन बी टर्न ऑन एंड ऑफ विदाउट द रिले। ही सजेस्ट कनेक्टिंग द मेंस टू अ सिंपल स्विच इन सीरीज विद द मोटर। सजेस्ट वन रीजन व्हाई इन सम सिचुएशन यूजिंग द रिले इज बेटर। इलेक्ट्रोक्यूशन से बच जाता है बंदा। वेरी गुड। रिले सर और वो स्मॉलर करंट से लार्जर करंट को टर्न ऑन करते हैं। वेरी गुड। क्वेश्चन समझाइएगा अगेन, ट्रांसलेट करो खुद ही से। सर माइक बंद करके कर रहा हूँ मैं, रुके। सर हाँ सर, इन्होंने अक्टूबर वो एक्सपेक्टेड ग्रेड क्यों नहीं लिए थे? तुमको हम मार के बताएं क्यों नहीं लिए थे? ये तुम स्कूल की मैनेजमेंट से पूछो क्या क्या हमें बताया था सर। ये सर ये क्या कान भरे थे, रनिंग क्रिएट करने आ गया सर, इसको निकालें क्लास से। अयान इसका जवाब मैं तुम अलग से दूंगा बाद में। कर भी तुम कहाँ पर, कौन सी क्लास में संभाल रहे हो बेचारे, जो लोग डसे हुए लोग हैं बेचारे। उनसे दो दिन बाद हमारा पेपर है। हाँ अभी ऐसी ऐसी बातें नहीं करो। तुमको हमारी हाँ बतवा जिंदगी खराब हो जाएगी तुम्हारी। सर वैसे ही पेपर के दिनों में लोग पता नहीं क्या क्या कर रहे थे। सर वैसे इसकी बदवा बहुत खतरनाक है जी। आगे चलें क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें? नहीं जितने इतना पढ़ा है उसकी भी बदवा लग जाएगी, तौबा तौबा। अच्छा फिगर 9.2 शोज द कॉइल ऑफ वायर रैप्ड अराउंड अ कार्डबोर्ड ट्यूब, देयर इज नो कोर, there is an electric current in the wire in the direction shown in the arrows on figure 9.2, draw the pattern of the magnetic field. Solino wo yaad hai aap logon ko right hand grip rule? Right hand grip rule sir, some current current down batayega, current coil mein down batayega, north right pe banega left pe banega sir? Right pe, right pe banega aur left par south hoga, sahi hai? Aise hi hai. Ab magnetic field lines banani hai, north to south hoti hai magnetic field lines,
ठीक है, तो आपने तीन लाइंस बनानी है। ये क्वेश्चन मैं एक दफा पहले भी करा चुका हूँ। एक लाइन तो बीच में आप बना देंगे बिल्कुल स्ट्रेट, सही है? बना दिया सर, आपकी लाइन स्ट्रेट नहीं है। स्ट्रेट नहीं है, इससे ज्यादा स्ट्रेट क्या होगी? एरोस पे तो नहीं आ रही लाइन आपकी सर, एरोस के स्ट्रेट में होनी चाहिए। सर ये कैसे डिटरमाइन करते हैं ये नॉर्थ है या साउथ, यहां पे आई जो आपने लिखा है बेटा वो राइट हैंड रूल अप्लाई करना है। अच्छा वो साउथ करें ना, इनसाइड द सोलेनोइड मैग्नेटिक फील्ड साउथ नॉर्थ होती है, बताया पहले। यस 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 सॉरी, ठीक है बस भैया कह रही है तो बिल्कुल स्ट्रेट बनानी पड़ रही है, मैं बार बार बना के देख रहा हूँ। सर तीन बनाएंगे बस लाइन? यस तीन बनाएंगे। सर ये बेंड नहीं होगी? बेंड होगी ना, अब कर रहे हैं बेंड। सही है, सर ये एक बार बताएंगे सेक्शन बी होता है इसमें सारे यही वाले क्वेश्चन मैग्नेटिज्म और इन सब के आते हैं क्या? जी बेटा बड़े क्वेश्चन होते हैं इसमें। हाँ ये क्या है? लेकिन कभी कभार आपकी मर्जी के भी आ जाते हैं और इंशाल्लाह मंडे को आपकी मर्जी के क्वेश्चन आएंगे, आप अच्छा सोच जाए। हाँ बस सर। सर अच्छा ये बताइए हम लोगों ने रैंडम में बनानी है ना, वो ये तो नहीं वो जो आप पूरा एक्सपेरिमेंट था वो मीटर वीटर रख के नॉर्थ वाला ये वो? हाँ तो लेके जाओगे ना साथ में प्लॉटिंग कंपास? नहीं नहीं मैं प्लॉटिंग कंपास की बात नहीं कर रहा, वो वहाँ पे ये एक्सप्लेनेशन तो नहीं मांग सकता ना, वो तो एटीपी में आनी थी ना। नहीं नहीं बिल्कुल मर्जी से बना। हाँ बस सही है सर, नॉर्थ पोल वो मैंने मार्क कर दिया है, राइट साइड पर नॉर्थ है। ठीक है जी सर। अब क्या किया उसने, सप्लाई निकाल दी है, मीटर लगा दिए। सर एक मिनट, सर एक मिनट, पीछे जा सकते हैं? सर ये जो आपने सबसे नीचे जो लाइन बनाई सर, उसमें आप डायरेक्शन बता सकते हैं मैग्नेट के अंदर? बना सकते हैं ये। सही सर, ओके कंफर्म करना। सर सर इसमें वो ईएमएफ इंड्यूस वाली कहानी लिखती है? यस इस वाले में लिखनी है, पार्ट सी में। सारा तुम तो बहुत अच्छी स्टूडेंट हो गई हो। डिस्क्राइब हाउ परमानेंट मैग्नेट इज टू प्रोड्यूस अ लार्ज रीडिंग ऑन द एमीटर। परमानेंट मैग्नेट को मूव करवाएंगे कॉइल की तरफ या नहीं? करवाएंगे सर, सर करवाएंगे और जितनी तेज करवाएंगे उतना ज्यादा तेज करवाएंगे ताकि मैक्सिमम रीडिंग आए। बोला उन्होंने ज्यादा रीडिंग चाहिए सर, लार्ज रीडिंग ऑन एमीटर। वेरी गुड, या फिर स्ट्रॉन्गर मैग्नेट यूज करेंगे या फिर नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा, नंबर ऑफ टर्न्स तो हम नहीं चेंज कर सकते सर। मैग्नेट आयरन कोर लगा सकते हैं मतलब परमानेंट लार्ज। सर डीसी मोटर होता है और एसी क्या होता है? जनरेटर। बस ये दोनों आए। ठीक है मैं बता देता हूँ कल से कल। सर और कुछ आए ना है, ट्रांसफार्मर ना है। एसबीएस तो ऐसे लग रहा है तुम लोग सिक्के उछाल रहे हो पॉन्ड में। ये ना है। सर अगर ऐसे बच्चे भी घूमे फिर तो हमारा क्या हाल हो? हाँ ये फिजिक्स की क्लास नहीं चल रही है, लग रहा है वो बाबा जी बैठे हुए हैं। भाई मुजम्मिल तुम्हें क्या लगता है? नहीं मैंने तो पढ़ा भी नहीं है, मैं आज पढ़ूंगी। एक्सप्लेन व्हाई। अच्छा, अच्छा। ये जो बोलते हैं ना कि मैंने बिल्कुल नहीं पढ़ा है, मैंने बिल्कुल कम पढ़ा है सर, ये स्टार लाए ना सीरियसली सर, एक मुजम्मिल हसबिया ये लोग अगर स्टार लाए ना सर, वादा नहीं लाऊंगी। सर मेरी तरफ से बिरयानी सबको अगर ये इनका आ गया, पता है क्यों? क्योंकि ये बोल रहे हमने पढ़ा ही नहीं है, जब पढ़े बगैर कोई स्टार ला सकते हो सर, इससे अच्छी और क्या बात। सर वैसे आपको अपनी बिरयानी याद है जो आपने मुझे खिलानी है? यार मेरी तरफ से तो तुम रोज बिरयानी खाओगे, टेंशन ही नहीं है। सर हमें भी खिलाएंगे अगर हमारे मार्क्स हैं तो। जान हो गया यार, ऐसे तो नहीं करो, मेरे नहीं आया तो मैं क्या करूंगी, नहीं खाऊंगी क्या? नहीं नहीं सर एक फेयरवेल रखेंगे हम लोग अपनी क्लास की। सही सर, उसमें पता है क्या होगा, उसमें आयान जरूर आ जाएगा। नहीं भाई खुदा को नहीं, आयान तो आ जाना कोई बात नहीं, हम क्यों फ्री खिलाएंगे।
सर वहां पे भी एक क्वेश्चन पढ़ के बताएगा हमें लगती है मैं लगता है सर मुझे वैसी उम्र को खिलाना है अभी वैसी हार गए उससे शर्त कौन सी शर्त हार गए तुम उम्र से अरे यार उससे कम अरे क्या होता है ये अड़े वाड़े किड को पॉप जे भी है उससे कम मार्क्स आए होंगे ना मेरे सर वैसे सर उम्र के मार्क्स बता दें सर शर्तें भी पढ़ाई में लगा रहे हैं सर आप चेक तो करें माशाल्लाह क्या जी पढ़ने वाले बच्चे शर्तें भी पढ़ाई में लगा रहे हैं सर तो अच्छा हो गया ना ज्यादा शर्तों से फायदा हो रहा है बिरयानी ये तो कैंपस सर बिजनेस तो कितना शहजादा है माशाल्लाह इज अ डिवाइस यूज्ड टू डिस्प्ले अवे फ्रॉम वेरी गुड एज थैंक यू सर सो अ बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज एमिटेड फ्रॉम अ मेटल फिलामेंट बाय द thermionic emission the emitted electrons are accelerated away from the filament by a potential difference of 2000 volts state what must happen to the metal filament of a thermionic emission to occur filament must be heated yes halwa ek number ye mujhe to nahi pata tha ye cro ka question hai aur cro abhi aapne hai nahi padha explain why the electrons accelerate away from the filament because sir, in front of sir heat energy gain kar liya nahi in front of filament aur sir vacuum bhi hota hai sir ye record pe hai na CRO yes sir ye samajh nahi aaya koi baat nahi सर समझाएं ना प्लीज सर पहले वो उर्दू बताओ उसकी एसबीआई है ना उसके लिए सर वो कह रहा है एक्सप्लेन व्हाई द इलेक्ट्रॉन्स एक्सेलरेट अवे फ्रॉम द फिलामेंट देखो फिलामेंट जो है ना जैसे ये फिलामेंट है इस फिलामेंट के बिल्कुल सामने ये बैटरी के साथ कनेक्ट ये सप्लाई के साथ कनेक्टेड होता है इसके बिल्कुल सामने ना यहाँ पर एनोड लगी होती है वोल्टेज दिया हुआ है काइनेटिक एनर्जी निकालनी है चार्ज भी दिया हुआ है W is equal to V is equal to W upon Q याद है आप लोगों को VQ और W एनर्जी है V कितना दिया हुआ है 2000 और चार्ज कितना दिया हुआ है 1.6 एक्सपोनेंट माइनस ठीक है क्या आंसर आया नेगेटिव पावर क्या बताइए माइनस 19 थी ना माइनस 16 हो गई यहाँ पे हजार है सर मैं खुद गलती करके फिर दूसरों से पूछता हूँ बहुत दो गई वैसे दैट सेटिंग ऑन द ऑसिलोस्कोप सर रिटर्न को काइनेटिक एनर्जी भी कहा हुआ है वर्क डन एनर्जी को ही कहते हैं ना बेटा बताया तो था बचपन में याद करो बचपन में कब बताया था चैप्टर 6 नहीं पढ़ा था 9th क्लास वाला जून जुलाई में एनर्जी जब भी बोला जाए एक ही चीज होती है जब एनर्जी बोले वर्क डन निकाल लो वर्क डन बोले एनर्जी निकाल लो एक ही बात The setting on the oscilloscope are 10 meters per millisecond per division for the x-axis and 3.0 volt division for the y-axis. Calculate the amplitude of the trace on the screen shown in figure 10.1. देखे बेटा amplitude कहाँ से कहाँ तक होता है? Sir. The peak to peak half. Peak to peak चार है ना? Peak to peak चार box हैं. चार divided by two. तो amplitude दो box होगा. और एक बॉक्स तीन के बराबर है तो आंसर हो जाएगा 6 वोल्ट टू बॉक्सेस मल्टीप्लाइड बाय सर ये समझ में नहीं आया सर 3 वोल्ट इज इक्वल टू
सर उसने एम्पलीट्यूड पूछा, हमसे वाट नहीं पूछा, तो सिर्फ एम्पलीट्यूड पूछा। बेटा सीआरओ में एम्पलीट्यूड वोल्टेज बताता है। ओ अच्छा, इतनी बड़ा तो ये जो मैंने रेड लाइन बनाई है ना, ये मेन पोजीशन है। यस सर, ए लेवल में असली से बोलूंगा। सही है जी। जी सर, मेन से एक्सट्रीम जो है ना, ये एम्पलीट्यूड होता है। कितने बॉक्स हैं? ये दो हैं। और ये क्या लिखा हुआ है? तीन मोड। ओके, फोर डिवीजन। तो क्या आंसर आ गया? 6 वोल्ट। 6 वोल्ट सही है। यप। टाइम फॉर बोन ऑसिलेशन मतलब टाइम पीरियड। अब मुझे बताएं, ये जो मैं लाइन बना रहा हूँ, कितने बॉक्स हैं? चार हैं। चार है, एक सर, एक पूरी वेव में। चार है सर। 10 ms पर डिवीजन। 40 आ जाएगा आंसर? ये नहीं आ जाएगा सर। चार बॉक्स आ रहे हैं ना? जी 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 आ गए। 40 आंसर आ गए। The sound travels through the air to the microphone from the place that it is made. The microphone is connected to the oscilloscope, which displays the waveform shown. Sound is a type of wave. State which type? Sir, longitudinal wave. Longitudinal. Describe the motion of the air molecules as the sound passes through the air to the microphone. सर वो वाइब्रेट करते हैं। कैसे? पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ द वेव। पैरेलल ही करते हैं ना? यस। ठीक है जी सर। पिच का मतलब क्या होता है? किसका? फ्रीक्वेंसी रिलेटेड। फ्रीक्वेंसी, हां फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड होती है। पिच बढ़ा दी है उसने, तो फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी? बढ़ जाएगी। फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। टाइम पीरियड कम हो जाएगा तो इस स्क्रीन पर अभी ढाई वेव्स बन रही है। ढाई सही है, पांच वेव्स बनेंगी तो पांच हो जाएंगी। आप ये भी कह सकते हैं तीन और चार हो जाएंगे, क्योंकि उसने डबल की टर्म यूज नहीं किया, उसने हाई की टर्म यूज की है। सही है? सही है। आप क्या लिखेंगे यहाँ पर? नंबर ऑफ वेव्स शोन ऑन द स्क्रीन बढ़ जाएंगी कम हो जाएंगी? बढ़ जाएंगी, क्योंकि टाइम पीरियड कम हो गया है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी बढ़ गई है। बढ़ गई है, सही है। सब लिखना है, मतलब जो भी आप बता रहे हैं, नंबर ऑफ वेव्स increases as the time decreases and the frequency increases. Very good. Shown. Frequency increases. सर वैसे सही स्पीड से हो गया हमारा पेपर। The student investigates what happens when a diode is connected between the microphone and the oscilloscope.
10.2 shows the circuit that he uses. Without the diode, the output from the microphone is an alternating current and the trace is as shown in figure 10.1 on page 18. Describe the action of the diode and the current from the microphone. Sir, ek hi direction mein hoga na sir. Move the current in one direction? Yes. Diode will allow current to flow in one direction. Sir? Yes. The voltage or resistance directly proportional hai na? Voltage or? Resistance. Yes, agar current constant ho. Agar kya sir, agar? Current constant ho. Okay, okay sir. सर ये क्या है, सर क्या स्केच कर रहे हैं? क्या चीज सर? ज्यादा वेव शो कर देंगे बस, और क्या? डायोड यूज करेंगे तो अब देखें, एक बात समझे मैंने आपको, हां बोले क्या ये होगा? तो इसका पहले तो एक कर्व बनेगा, फिर एक सीधी हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगी, फिर दूसरा मतलब ऊपर की तरफ बनेगा, फिर तीसरी हॉरिजॉन्टल लाइन क्यों बनेगा, मतलब नीचे वाली हॉरिजॉन्टल लाइन की फॉर्म लेंगी। ठीक है, सही कह रहे हैं आप, मैं इसको ही समझा रहा हूँ। देखें ऊपर जो वोल्टेज है ना वो पॉजिटिव है और नीचे जो वोल्टेज है वो नेगेटिव है, तो डायोड ने एक डायरेक्शन में करंट को अलाउ करना है और एक में ब्लॉक करना है ना, तो नेगेटिव वाली ब्लॉक कर देगा वो। सही है, समझ गया। फिर क्या होगा? तो स्टार्ट ही जीरो से होगा नीचे से? नहीं, मैं बताता हूँ क्या होगा। सर वो नीचे वाला इरेज कर देंगे ऊपर वाला बना के। यस, ये तो हो गया सर। मैं सुभान अल्लाह। अच्छा सर, मेरे सवाल को सर दो मिनट दे सकते हैं अगर हो सके तो? इसके बाद पेपर के बाद? हाँ सर, बस दो मिनट दे सर, बस कल करेंगे ना। ओके सर, लेकिन सर करा देगा फिर मैं भूल जाता हूँ, फिर आप भी भूल जाते हैं, फिर सब भूल जाते हैं। तुम भूलने देते ही नहीं ना, खुद भूलते हो ना, मुझे भूलने देते हो। तुम आप भूल जाएंगे, मैं भूल जाऊंगे, सब भूल जाएंगे। आमीन। सर मुझे ये कहानी समझ नहीं आई, ग्राफ वाली जो बना रहे हैं आप। एक मैं बता रहा हूँ सर, कल की क्लास के टाइम तो बता दें, ग्रुप पे डिस्कस कर लेंगे ना। सर मैं तो बोल रही हूँ एक सुबह एक दोपहर एक शाम। सर क्या ये कोई गोलियां हैं क्या है मतलब? बस सुबह दोपहर रखें शाम में नहीं रखें। क्लास है क्या है? सर मैंने तो अभी बैठ के फिजिक्स स्टार्ट करना है पढ़ने यार, बस कर दो यार। अजबिया इसका नेगेटिव वाला पार्ट है ना जी, इसको डायोड से ब्लॉक कर दिया, गायब कर दिया जी, ये समझ आ गई। तो बस यही इसका ग्राफ। अच्छा सही है, ओके ओके ठीक है, डन डन। यप, एम्पलीट्यूड चेंज नहीं करना, सिर्फ उसको ब्लॉक करना। सर अल्लाह हाफिज़। खत्म हो गए अब? अल्लाह अभी भी मेरी अल्लाह हाफिज़ नहीं हुई है, मेरी ऑनलाइन क्लास थी 10:30 बजे।